हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाष सिंह। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल वीकली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो मेरा रेंज क्या रहेगा मार्केट में, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए 21,400 के नीचे मैंने आपको बताया था एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। मार्केट खुला 21,405 के आसपास, फिर एक 250 पॉइंट का डाउनफॉल आया। उसके बाद कल अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखेंगे, मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया था, मार्केट 21,400 के नीचे एक सेलिंग का प्रेशर आएगा, लेकिन जो ये बाइंग का प्रेशर है कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट में हिट करता है फिर ये जाके इन बिटवीन कैंडल बना सकता है। निफ्टी भी मैंने आपको बताया था अगर गैप अप खुल जाता है तो सेम रेंज के अंदर ही मार्केट रह जाएगा। निफ्टी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो इन बिटवीन कैंडल बना है जो हम लोग आज, लेकिन मार्केट बहुत वोलेटाइल था, 250 पॉइंट नीचे चला गया, फिर 300 पॉइंट ऊपर गया, 150 पॉइंट नीचे, फिर 250, तो एक वोलेटाइल मार्केट आपको देखने मिल गया। लास्ट दो दिन आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिला होगा, जितने लोग रेगुलर एनालिसिस करते होंगे देखते होंगे उन लोग पता है ट्रेंडिंग मार्केट के बाद जनरली एक वोलेटाइल मार्केट मिलता है, उसके बाद साइडवेज होने के बाद फिर ट्रेंड डिसाइड होता है। अभी वोलेटाइल हो चुका है, तो कल देखते हैं इमीडिएट हम लोग क्या कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे 21,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अभी करंट लेवल पे 21,400 चल रहा है और यहां पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। कल अगर मार्केट 15 मिनट के लिए मार्केट ऊपर अगर रहता है तो आपको पता होगा, लास्ट वीडियो भी आपने देखा होगा, मार्केट किस तरीके से ये क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर 15 मिनट तक ऊपर बना रहा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर मार्केट 21,450 या 500 से लेकर ये 300 पॉइंट का रेंज आप प्लान कर सकते हो। कल बैंक निफ्टी इसी के अंदर रहने वाला ज्यादा चांसेस है। हाँ, 15 मिनट के अंदर अगर ये चला आता है नीचे की तरफ, अगर क्लोज दे देता है 400 के नीचे कहीं क्लोज देता है, तो यहां से जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड लाइन बना है, इंट्राडे में जो ट्रेंड लाइन बना है वो ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्केट 21,100 समथिंग ये पॉइंट रहेगा। हाँ, एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, वेट फॉर ए प्राइस एक्शन, उसके बाद ट्रेड करना। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर बन जाता है, चांसेस आर वेरी हाई। जिस तरीके से दिख रहा है यहां पे क्रॉस हो चुका है, यहां पे क्लोजिंग दिया है, मार्केट 15 मिनट अगर होल्ड किया, ये धीरे-धीरे 21,750-800 के अंदर ही रहेगा, क्योंकि 800 में एक रेजिस्टेंस है, ये सिनेरियो ज्यादा चांसेस है। तो पहला 15 मिनट ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट एक्सपायरी में मार्केट बहुत नीचे गैप डाउन खुल गया था, उसके बाद प्राइस एक्शन से ये कंटिन्यूअसली नीचे चला गया। उससे पहला एक्सपायरी फ्लैट खुला, मार्केट इन बिटवीन कैंडल बनाया, ज्यादातर चांसेस है थोड़ा साइडवेज मार्केट होने का ज्यादा चांसेस है। तो वेट करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट खुल गया तो हमको एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, जो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है एक्सपायरी डे पे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का क्या रेंज है, कल हम लोगों ने ये रेंज डिफाइन किया था, ये रेंज के अंदर आज भी मार्केट फंसा रहा। कल मैंने आपको यही पॉइंट बता रहा था, मार्केट को अगर हाई या फिर ये रेंज अगर क्रॉस करना है तो इसको बहुत तेजी से पहले 15 मिनट में कर देना चाहिए, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। मार्केट अगर बहुत ऊपर खुल जाता है निफ्टी, फिर इसी रेंज के अंदर ही बन जाएगा। मैंने आपको डिफाइन किया था, आज गैप अप खुल गया, नीचे तो आया लेकिन वो सेलिंग का प्रेशर रहा नहीं। लेवल अगर क्रॉस करना है तो नीचे गैप डाउन थोड़ा ओपन होके या फ्लैट ओपन होके अगर क्रॉस करता तो एक मोमेंटम देखने मिलता। ये फिर नीचे रेंज को हिट किया, ऊपर गया, अपर रेंज को हिट किया, फिर नीचे आ गया। ये कम्प्लीटली रेंज में बना हुआ है, अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे कम्प्लीटली ये रेंज में है। अभी कल का एक्सपायरी क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो कल इंपॉर्टेंट सेम हो जाता है, मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। मार्केट अगर गैप अप खुल गया 11,250 या 270 के ऊपर, तो 11,250 से लेकर 300-350 का एक रेंज रहेगा, 100 पॉइंट का ये हो सकता है। मार्केट अगर 11,220 के नीचे खुलता है, दैट मीन्स गैप डाउन, तो ये शार्प सेलिंग फिर से देखने के लिए आपको मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल भी कंटिन्यूसली मार्केट टच कर रहा है। आप अगर देखेंगे 11,200 लास्ट एक दो दिन से कंटिन्यूसली टच कर रहा है। अगर ये 11,220 या 11,200 के आसपास ओपन हो गया, 15-20 रुपए नीचे ओपन हुआ, तो ये कंटिन्यूसली फॉल हो सकता है और 11,200 से लेकर 11,100 का आपके पास रेंज होना चाहिए, क्योंकि ये फॉल हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो 11,250 से लेकर 350 ये डिफाइन हो सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड कर रहा है, लेकिन निफ्टी लास्ट मोमेंट में कंटिन्यूसली गिरावट आया है। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक स्मॉलर रेंज के अंदर क्लोज किया है, निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन है। कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ये रेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी निफ्टी के लिए, 11,200 और 11,300।
कल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है निफ्टी ओपन कहां पे होता है, 11,250 के ऊपर ओपन हो रहा है या फिर 11,250 के नीचे, ये फिर डिसाइड करेगा कौन से साइड रेंज रहेगा। अगर मार्केट 11,250 के ऊपर ओपन हो रहा है फिर 11,250 से लेकर 350 का आप एक रेंज बना सकते हो। अगर 11,250 से नीचे मार्केट ओपन हो रहा है 11,250 से लेकर 150 का आपका एक रेंज रहेगा। पहला स्टॉक है डीएलएफ, अगर देखेंगे 151 के नीचे एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है जो इसको 148 तक भी लेके आ सकता है इंट्राडे में। इसको हम लोग कल शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि अपर रेंज से रिजेक्ट हुआ है और डाउनसाइड जो रेंज है 140 के आसपास है, तो ये मिडिल जो रेंज का मिडिल है 148 वहां तक आ सकता है, तो डीएलएफ हम लोग कल शॉर्ट कर सकते हैं। स्टिल एग्जैक्टली कौन सा लेवल पर कल ट्रेड करना है कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड, अगर जुबिलेंट फूड देखेंगे 2340 के नीचे एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है जो इसको 2300 तक भी लेके आ सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है वहां तक मार्केट फॉल हो सकता है जुबिलेंट फूड, तो 2300 तक ये आ सकता है, तो इसको कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम, एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे है, ये नीचे आया ऊपर गया फिर एक रेड कैंडल बना के हॉल्ट किया, अभी ये फिर से ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है 745 के ऊपर, ये 750-755 तक भी ये जा सकता है, ये हाई क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, इसको हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डाबूर, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है जैसे ग्रासिम में था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट गया फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर अभी अटेम्प्ट में ये क्रॉस कर रहा है 511 के ऊपर, एक मोमेंटम आ सकता है, एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है, लेकिन पहले ये लेवल क्रॉस होने दीजिए फिर इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।